हेलो भाई, आइए अपना नेक्स्ट क्लास करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पर। ये हमारा टेबलर फॉर्म पर है। इससे पहले हमने पैराग्राफ फॉर्म पर एक क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है। तो अभी मैं टेबलर फॉर्म पर करा रहा हूँ, फिर टेबलर फॉर्म के हम और भी यहाँ इलस्ट्रेशंस करेंगे, ठीक है। अभी हम एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो आपके, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, एसएससी सीजीएल या कॉमन लॉ एंट्रेंस क्लैट, ठीक है, या और बैंकिंग के एग्जाम्स आप ले लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी नहीं है कि आप ऐसा मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्लैट में तो इस तरह के क्वेश्चन के ही चांसेस हैं आने के, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और बाकी हम एक एक करके लेवल को बढ़ाएंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चंस को, जिससे आपके और भी जो टफ एग्जाम्स हैं उनमें भी आप प्रिपेयर कर पाए, ठीक है, उनके लिए भी प्रिपेयर कर पाए। तो देखिए, टेबलर फॉर्म में सबसे अच्छी बात है कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था पैराग्राफ फॉर्म में, पहले आपने उसके डेटा को डिकोड करके एक टेबल फॉर्म में ही लिखा था, है ना। लेकिन यहाँ आपको ये डेटा नंबर्स में दिया हुआ है, टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक काम तो आपका वो बचता है अगर ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन डीआई का करने के लिए जाए तो सबसे पहले उसका हेडिंग देखें, क्या हेडिंग दिया हुआ है, तो उससे काफी आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन डेटा के अंदर क्या है ना। तो उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ है, क्राइम्स रजिस्टर्ड इन 2012 इन द वेरियस स्टेट्स, ठीक है। तो 2012 में जो क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो यहाँ आपको दिए हुए हैं टेबलर टेबलर फॉर्म में। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, इंसिडेंस एंड रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख के अगेंस्ट ये आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट अपना रो देखें हम, रॉबरी, तो रॉबरी क्राइम है, स्टेट यूपी, एमपी, दिल्ली और बिहार। तो इंसिडेंस कितने हुए, 8,000, 1 लाख के अगेंस्ट, 1 लाख में से 8,000 इंसिडेंट हुए हैं 1 लाख पॉपुलेशन में से। मध्य प्रदेश में 2,500, दिल्ली में 1,000 और बिहार में 7,500। फिर रेट दिया हुआ है आपको, रेट 5.0% नहीं है गाइस, ये गलती मत कर देना, यहाँ ये पर लैक है, ठीक है, 5 पर लैक रेट आया है यहाँ पर। यूपी में रोबरी का 4 पर लैक रेट आया है, मध्य प्रदेश में 4 पर लैक रेट आया है, दिल्ली में और 7.5 पर लैक रेट आया है बिहार में, ठीक है गाइस। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आप लिखते थे ना 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100। अभी 5% नहीं है, ये आपका 5% का मतलब होता है ये, तो ये पर 1 लैक, ठीक है गाइस। तो ये गलती ना हो, ये ध्यान रखिए। चलिए अब सीधे, कुछ ज्यादा करना नहीं है, क्वेश्चन पर आइए और सॉल्व कीजिए। एक काम यहाँ कभी कभी हमें करना पड़ जाता है कि टोटल करके रख लेते हैं, तो टोटल भी तब करके रखिए जब क्वेश्चन उस तरह के ज्यादा पूछे गए हों। फालतू तो टाइम नहीं लगाना है कि पहले टोटल करने में आप टाइम लगा दें और पता चल रहा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए। तो पहले क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए, फिर वापस आ सकते हैं टोटल करने के लिए। जरूरत है तो करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज रेट पर 100 पॉपुलेशन ऑफ मर्डर फॉर ऑल द गिवन स्टेट्स। स्टूडेंट का जो गलती करने का चांस है इस क्वेश्चन में वो यही है, उसने मर्डर का एवरेज पूछा है पर 100, ठीक है। तो गलती क्या हो सकती है कि 7 to 9 और 4.5 + 6.5 11, 11 + 9 20, ये टोटल आ रहा है। एवरेज निकालने के लिए 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो गाइस, बहुत से गाइस इसका 5% आंसर सीधे दे सकते हैं क्योंकि तो यहाँ रेट लिखा हुआ है देखकर। लेकिन गाइस, ये जो रेट है ये पर 1 लाख है, ठीक है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने ये दे दिया है। तो देखें, देखिए यहाँ उसने ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है 5%, ये इस तरह का ऑप्शन जरूर देता है क्योंकि उसको भी पता होता है कि क्या गलती करने के चांस है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 5 आया है, तो 5 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में है ये, अभी मैंने बताया था 1 लाख के रिस्पेक्ट में, तो 1 लाख नीचे अपॉन में आएगा। और क्योंकि आप अभी एक फ्रैक्शन बन जाएगा, इस फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा, पर 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये सॉल्व हो जाएगा 0.005%, 0.005% आपका आंसर होना चाहिए।
ये बी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, 0.005% आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्डर, व्हाट इज द नंबर ऑफ मर्डर इन यूपी एंड द मर्डर ऑफ रेप इन दिल्ली। तो सीधे डिफरेंस पूछ रहा है कि यूपी में जो मर्डर हुए हैं, ओ सॉरी, ये आपका नंबर ऑफ रेप होगा इन दिल्ली, नंबर होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, नंबर ऑफ रेप इन दिल्ली में जो रेप हुए हैं और जो यूपी में मर्डर हुए हैं उनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो ठीक है, ये तो सीधा क्वेश्चन है डेटा से रिलेटेड, 8000 इंसिडेंट हुए थे किसके, सॉरी 9000 इंसिडेंट हुए थे मर्डर के यूपी में, और जो रेप हुए हैं दिल्ली में वो कितने हुए, 150। तो 9000 माइनस 150 ये आ जाएगा आपका 8850 आंसर आना चाहिए, है ना। तो 8850 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज है, ई ऑप्शन आएगा गाइस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम पर लैख पॉपुलेशन फॉर विच स्टेट। तो किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम इंसिडेंट कितने हुए हैं ये पूछा है आपसे। तो कितने हुए हैं, तो यहाँ टेबल में जाते ही आपको डेटा देखते ही पता चल जाएगा। देखिए यूपी में 8975 है ना, और एमपी में देखें तो बहुत कम है उसके मुकाबले, दिल्ली में देखें तो वो भी कम है। ठीक है, तो बिहार और यूपी में बसता है, तो बिहार और यूपी में भी कंपेयर करने के लिए टोटल मत करिए सीधे, 8000 को कुछ कैंसिल, हाँ यहाँ भी 8000 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 7500 है, यहाँ भी 7500 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9000 है लेकिन यहाँ उसके लिए 2850 है। ठीक है, तो इसका मतलब यूपी ही सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स हुए हैं क्राइम के यूपी में हुए हैं उसका टोटल मुझे बताना है। तो 9 + 8 = 17000 + 7500 = 24500 आपका फाइनल आंसर आएगा गाइस। तो 24500, तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो रहा है, कुछ करने ही नहीं, इस तरह का एक डीआई में बेनिफिट मिलता है आपको। तो 24500 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस। फिर व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ रॉबरी इन यूपी एज कंपेयर्ड विद बिहार। तो यूपी में जो डिफरेंस, यूपी और बिहार के रॉबरी में जो डिफरेंस आ रहा है, तो बिहार के कंपेयर्ड में वो कितने परसेंट था। तो देखिए गाइस यहाँ गलती और क्या कर सकते हैं, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि पर लैख, पर 10 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट ये हो रहा है, तो जब ये रेट दे रहा था तो हमें रेट में पर 1 लाख करना था, यहाँ तो ये नंबर ही दिया हुआ है कि 1 लाख में से 8000 यूपी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं रॉबरी के, 7500 जो इंसिडेंट हुए हैं 7500 बिहार में, है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 500 आएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, बिहार के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो बेस क्या बनेगा, बिहार बनेगा 7500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, तो 1/5 कितना आता है गाइस, 1/5 आता है 20% इंसिडेंट्स आपके हुए हैं। ठीक है, तो 20% आपका आंसर होना चाहिए, यस बी ऑप्शन है गाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द मिनिमम रेट ऑफ इंसिडेंस फॉर द क्राइम ऑफ रेप। तो मिनिमम रेट ऑफ इंसिडेंस, रेट ऑफ इंसिडेंस, मिनिमम जो रेट ऑफ इंसिडेंस हो रहा है वो किसमें हो रहा है, तो ओबीएस है, मुझे दिल्ली याद है, मैंने डेटा देखा हुआ है, यस 0.4 रेट है केवल दिल्ली का। ठीक है, रेप्स का, तो बस यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, दिल्ली सी ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो टेबलर फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना ईजी होता है, हर बार इतना ईजी नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से ये यूजफुल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी यहाँ ऑप्शन था, गलती कर सकते हैं आप इसको लगाने में, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, आपको समझ आया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर आपको समझ आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस लाइक जरूर दीजिए। लाइक करने के बाद अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाए जो भी हम नेक्स्ट क्लास यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी मैं डीआई के भी काफ़ी क्लासेस यहाँ अपलोड करने जा रहा हूँ, और यहाँ परसेंटेज के क्लास हम सारे अपलोड कर चुके हैं, वो आप परसेंटेज सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, परसेंटेज की और प्रॉफिट एंड लॉस के भी हो चुके हैं, डिस्काउंट्स के भी हुए हैं, और भी क्लासेस हैं जो आप यहाँ हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके जो एग्जाम पर्पज से काफी यूजफुल क्लासेस हैं, अगर देखेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।